सबसे पहले देखेंगे क्या नई संसद में वैदिक विधि विधान के साथ स्थापित किए जाने वाले सेंगोल यानी राजदंड से जुड़े तथ्यों को कांग्रेस ने फर्जी क्यों बताया। सेंगोल पर सच और झूठ के सियासी संग्राम की पूरी कहानी पहले बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि नई संसद के उद्घाटन को प्रधानमंत्री के हाथों होने से रोकने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे सख्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया, और पूछेंगे कि क्या विरोध करने वाले 21 दल सुप्रीम कोर्ट से आए संदेश को समझेंगे। तीसरी खबर पर आपको खबरदार करेंगे कि आखिर अब बीजेपी नेताओं ने बहिष्कार करने वाले 21 दलों को क्या नाम दिया है। चौथी खबर होगी आखिर ओवैसी के नेताओं को वंदे मातरम कहने से परहेज क्यों, और पांचवी खबर उत्तर प्रदेश में 6 साल के भीतर हर 15 दिन में कैसे एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर करके अपराध को काबू करने की मुहिम चलाई गई। नई संसद में रविवार को उस सेंगोल यानी राजदंड को प्रधानमंत्री स्थापित करेंगे जो 15 अगस्त 1947 की आजादी की रात पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। उसी राजदंड को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि राजदंड से जुड़े तथ्यों को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बोगस बताया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा है कि कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से नफरत क्यों है। कांग्रेस के 3 नेता अब तक सेंगोल को पीएम मोदी के हाथों नई संसद में स्थापित करने का या तो विरोध कर चुके हैं या फिर सवाल उठा चुके हैं।